सीरियल दिल से दिल तक में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जहां आज पार्थ बन गए हैं मीडिया की सुर्खियां। जी हां, आज हर मीडिया में पार्थ के ही चर्चे हैं, वो भी उनकी दो दो बीवियों की वजह से। दरअसल आज जब न्यूज़पेपर में छपी खबर पार्थ और उसकी दोनों बीवियों के बारे में थी, तो उसे देख पोइनी काकी ने बनाया इस मामले को और भी बड़ा और मचाया घर में बवाल, जिसके बाद टेनी को आता है गुस्सा। वहीं दूसरी तरफ घर में मचता है फिर बवाल, जब टीवी में आती है न्यूज कि पार्थ ने अपने अय्याशी के लिए मान मर्यादा की सारी हदें पार करके घर में रखी हैं दो दो बीवियां। एक खबर आई है किसी ने हमारे रिश्ते को गलत तरीके से दुनिया के सामने दिखाया है। हर बात को पेश करने का एक तरीका होता है और बहुत ही गलत तरीके से किया गया है। हमसे कोई रिवेंज लेना चाह रहा है, तो हम इसलिए सब बहुत परेशान हैं। हाँ, मतलब ये तो टेनी पे लगते ही रहते हैं इल्ज़ाम, पर भगवान टेनी की अम्बे माता ही जानती है कि टेनी दिल की कितनी सच्ची और कितना सच्चा प्यार करती है। इतना ही नहीं, मीडिया में टेनी पर लगता है ये भी इल्ज़ाम कि उसने पैसों के लालच में की है पार्थ से शादी। अब बात जब पार्थ, टेनी और शौर्वरी की रिश्तों की हो रही है, तो टेनी जरा ये बताइए कि कौन है जिसने ये खबर करवाई है मीडिया में ब्रेक? किसने खबर फैलाई होगी? ये नए कैरेक्टर आ रही हैं, पुराने पाप किसी के सामने आने वाले शो में उन्होंने ऐसा किया। चलिए, अभी तो यहाँ पर आपका गुस्सा पेपर वाले ऊपर उतर रहा है, तो अभी क्या टेनी का कदम होगा? टेनी एक्चुअली जो ये सब बहुत शॉकिंगली आ रहा है, टेनी को समझ नहीं आ रहा है क्या करे, तो eventually she will understand and she will find a solution, but अभी तक उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। खबरें आती हैं ये तो, तब ऐसे ही रिएक्शन होता है ना आप लोग सेलिब्रिटी आपके बारे में खबरें आती हैं? See, personally I have never been that kind of person जिसको कोई भी फ़र्क पड़ता हो, आप मेरे बारे में कुछ भी लिखो कुछ भी छापो, मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ क्योंकि मुझे पता है मैं सही हूँ, so I never react to such things, but of course it is wrong and you shouldn't hurt somebody's personal feelings and their privacy. Well, अब पार्थ की लाइफ में मीडिया के इस हेडलाइंस ने ला दिया है भूचाल। फिलहाल तो यहाँ पार्थ टीवी बंद करके सभी घर वालों को समझा कर चले जाते हैं। ये न्यूज जो आई है वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, मतलब हमें पता था कि समाज हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा, लेकिन वो इस तरीके से लोगों के सामने आएगा वो एक झटका लगा है मुझे, हम पूरे परिवार को झटका लगा है। एंड हमेशा से हम तीनों यही चाहते थे कि हमारे रिश्ते से किसी परिवार वाले को कोई तकलीफ ना हो, लेकिन इस न्यूज़ की वजह से परिवार वाले को बहुत तकलीफ हो रही है, उनको लोगों से सुनना पड़ रहा है कुछ हो रहा है, कभी कोई दादाजी को फ़ोन कर रहा है, कभी माँ को कोई फ़ोन कर रहा है, तो वो एक परेशानी वाली चीज़ है। बट पार्थ बींग अ पर्सन इज़ हैंडलिंग इट वेरी केयरफुली, वेरी कामली, एंड वो जो भी चीज़ें हो रही है उसको बड़े अच्छे से हैंडल कर रहा है। उसने टेनी को भी हैंडल करना है, शॉर्टरी को भी हैंडल करना है, परिवार वाले को भी हैंडल करना है, तो ये चीज़ अब कैसे हैंडल होती है और कैसे ये चीज़ ख़त्म होगी, वैसे वो कैसे आगे टीवी बंद कर सकते लेकिन लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते। अब आगे जाने वाले टाइम पे हम कैसे लोगों का मुंह बंद कराते हैं या फिर लोगों को कैसे कन्विंस करते हैं कि जो रिश्ता है ये ट्रस्ट का रिश्ता और प्यार का रिश्ता है, इसमें कोई गलत नहीं है। वो तो बोलने की बातें होती है, लोग बोलने के लिए तो क्या क्या बातें बनाते हैं, लेकिन जब तक असलियत सामने नहीं आती तब तक उनको जब तक उनके सामने असलियत आएगी तो आई थिंक वो भी समझ जाएंगे। लेकिन टेनी को आ रहा है जोर का गुस्सा। अब देखना होगा कि पार्थ इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं और शौर्वरी, टेनी और अपने दिल से दिल तक के इन रिश्तों को दुनिया के सामने पवित्र रिश्ता साबित करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिंद्र शर्मा के साथ हरी कृष्ण दुबे, जूम, मुंबई। For all the garma garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.